नमस्कार। समय हम कैथल के नीम साहब गुरुद्वारा में पहुंचे हैं और गुरु पर्व यहां धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें, कल गुरु पर्व की पूर्व संध्या पर शहर में नगर कीर्तन भी निकाला गया था और आज हजारों की संख्या में जो संगत है नीम साहब गुरुद्वारा में पहुंची है। तो किस तरह का प्रोग्राम था, क्या कुछ मैसेज अपनी तरफ से देना चाहेंगे? तो अंग्रेज सिंह गुराय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि गुरु पर्व को लेकर क्या कुछ मैसेज ये अपनी तरफ से देना चाहते हैं। जी नमस्कार जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो मैं सारे भारतवासियों को बधाई देता हूँ, क्योंकि गुरु नानक देव जी सिखों के गुरु नहीं थे, वो सारे समाज के गुरु थे और उनके अपा चरणों पर उनकी अरदास से हम कोई भी कार्य करने चाहते हैं तो हम उनसे कार्य करते हैं। जैसे कि हम कल भी नगर कीर्तन निकाला था और आज सारा दिन नीम साहब और मंजी साहब में, अब नीम साहब में हम खड़े हैं। जैसे पकौड़ों का लंगर और चाय सारी शहर की संगत अब छक रही है और उसके बाद रात का फिर आज मंजी साहब में नगर कीर्तन चलेगा, जिसमें अच्छे अच्छे कवि थार और अच्छे अच्छे प्रचारक रात को आएंगे। और मैं ये भी एक सभी को मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे गुरु साहब ने लंगर की अवस्था चलाई थी कि हम एक हैं और एक ही रहेंगे, ऐसे गुरु नानक देव जी ने हमारे को उपदेश दिए हैं जिससे हम भाई भाई बनकर रहते हैं। तो क्या कुछ समाज के लिए मैसेज गुरु नानक देव जी का था और क्या कुछ अब इम्प्लीमेंट होगा? आप आज ही देख लो कि हमारे लंगर में सारी बरादरियों के लोग यहाँ बैठे हैं। सबसे ज़्यादा संदेश तो ये पंगत का है, जैसे पंगत में हम सब एक ही हैं और सबका मालिक एक है, इस तरह गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक देव जी दसों गुरुओं का एक मिलन और एक भक्ति शक्ति का कार्यक्रम उन्होंने भी जैसे किया था, ये हमारे सारे देश को एक गिफ्ट है। हम गुरु नानक देव जी के चले पैरों के ऊपर ही चलकर हमें ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए और देश में शांति बनाए रखना चाहिए। तो कितनी संगत आज गुरु पर्व पर यहाँ पहुँची है? संगत की बात ऐसे, कल जो नगर कीर्तन था उसमें 10-15 हज़ार की संगत थी और आज यहाँ निम साहब गुरुद्वारे में भी टारगेट यही है कि 40-50 हज़ार जो सवेर तो लेके शाम तक संगत पहुँच रही है और संगत का बड़ा प्यार भी है और सेवा भी कर रहे हैं। तो अंग्रेज जी, जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच नहीं सके उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा, क्या कुछ प्रेरणा रहेगी गुरु नानक देव जी की जो आप देना चाहते? जो श्रद्धालु यहाँ नहीं पहुँच सके उनके लिए घर बैठे ये प्रेरणा ही कि सारे मिलजुल कर काम करें और अपने देश को, अपने देश के लिए अरदास करें और इसमें सुख शांति और भाईचारा हमारा कामयाब हो। तो ये थे हमारे साथ है अंग्रेज सिंह गुराया जी, जिन्होंने गुरु पर्व को लेकर मैसेज अपना दिया और किस तरह से गुरु जी की जो प्रेरणा थी जो समाज आज भी उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है उसके बारे में बताया। और आपको बता देंगे, नीम साहब और मंजी साहब गुरुद्वारा में गुरु का जो लंगर है वो लगातार चलता है और आज भी उसी कड़ी में जो हजारों की संख्या में संगत यहाँ पहुँची है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।